गोपालगंज जिला में पंचायत चुनाव का आगाज हो चुका है, जिसमें विजयपुर प्रखंड में नामांकन प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। जिला प्रशासन ने पंचायत चुनाव के लिए कमर कस ली है तथा खुद जिला अधिकारी डॉक्टर नवल किशोर चौधरी एवं पुलिस कप्तान लगातार विजयपुर प्रखंड के दौरा कर हर हाल में शांतिपूर्ण मतदान करने का आश्वासन भी देते आ रहे हैं। वहीं नामांकन के पहले दिन प्रत्याशियों में काफी उत्साह देखा गया तथा मुखिया सहित कई पदों के लिए प्रत्याशियों ने अपना नामांकन पत्र दाखिल किया। वहीं पहले दिन वार्ड सदस्य के लिए 40 प्रत्याशियों ने पर्चा दाखिल किया तो मुखिया पद के लिए 10 प्रत्याशियों ने पर्चा दाखिल किया। सरपंच और BDC पद के लिए 5-5 प्रत्याशियों ने अपना अपना नामांकन पत्र दाखिल किया। मंच सरपंच पद के लिए 9 प्रत्याशियों ने नामांकन पत्र दाखिल किया। प्रखंड विकास पदाधिकारी ने बताया कि नामांकन की तारीख 13 सितंबर तक तय की गई है, उसके बाद जांच की प्रक्रिया चलेगी। जी सर, नामांकन आज से तो शुरू हुआ है, कब तक चलेगा सर नामांकन? नामांकन 7 से 13 तक मेरा नॉमिनेशन होगा जी, और 14, 15, 16 मेरा जो है कि स्कूटनी का परिणाम है। निर्वाचन आयोग निर्देश है और विनोद साहब के स्तर से जो प्रपत्र 5 आया है उसके आलोक में कार्रवाई की गई है। और कितने लोगों का यहाँ से नामांकन होगा? जैसे आपको जो है कि 187 वार्ड हैं, 187 पंच हैं, 19 जो है कि मुखिया पद के हैं, सरपंच पद के आपको जो है कि 13 आपको मुखिया हैं, 13 सरपंच हैं और 19 आपके पंचायत समिति का है।